भारत हार के डर से नहीं आता। हम तो मरने मरने में कभी डरते नहीं है, मगर ये 100 को मार के एक मरेगा हमारा। अच्छा जावेद भाई, क्यों बुला मान ले हो? क्या हो गया, बुला लगा तो थोड़ी। एक क्रिकेटर से हम लॉजिक की बात एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे अंदर जज्बा है, जज्बे से लड़ते हैं भाई। हम तो मरने में कभी डरते नहीं है, मगर ये 100 को मार के एक मरेगा हमारा। आप लोग के यहाँ चूतिए बनाए जाते होंगे, हमारे यहाँ पैदाइशी चूतिए होते हैं। मोगेम्बो खुश हो। जैसे कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया जावेद मियां दाद। में फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को क्रिकेट मिल रही है, इस मामले को आईसीसी को देखना चाहिए। रूल्स सबके लिए यकसा होने चाहिए, जो रूल्स पर नहीं चलता उसे बाहर करें। ना कि सिर्फ इंडिया का, ना कि सिर्फ पाकिस्तान का, ना कि सिर्फ एशिया का, ना कि पूरी दुनिया का, बल्कि पूरे यूनिवर्स का। अगर आपको देखना हो कि सबसे बड़ा चूतिया कौन है, तो भाई आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जावेद मियां दाद। जावेद मियां दाद, जावेद मियां दाद। आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है भाई साहब, और उसमें रोला पड़ा हुआ है कि क्या इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी। पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं, पीसीबी ये चाह रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए और चैंपियन ट्रॉफी बड़े आराम के साथ हो जाए। मतलब वो इंसान जिसको इसके घर वाले मतलब पूछते नहीं है, घर में दाखिल होने नहीं देते, इसके बेटे कहते हैं भैंचो उस दिन पापा तूने कमेंट अरे कहना क्या चाहते हो, कॉन्डम पहन लिया होता तो हम जो है इस दुनिया में नहीं आते। मुझे इससे 100 गुना ज्यादा गंदी गालियां आ रही हैं, मैं कहता हूँ इसको दूं और ये अपनी जुबान को संभाल के रखे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हम पाकिस्तानी फैन इतना डेस्परेट हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्रिकेट की दुनिया के लीजेंड क्रिकेटर कौन हो तुम? पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जावेद मियां दाद ने एक बार फिर भंड माली है। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। उन्होंने भारत को इनडायरेक्टली धमका दिया है। तो जावेद मियां दाद साहब, एक पेल आपका तबल में लटक रहा है, फिर भी आप तो थलम नहीं आती है। हम हिंदुस्तानियों को धमकी देते हुए T20 में माल खा लिया आपने, फिर भी आपको तलम नहीं आई। जावेद मियां दाद साहब ने बड़बोला है, हालांकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीजेंड क्रिकेटर है, इसने फिर एक बार से भंड मारा है, भारतीय को डराने की कोशिश की है, भारतीय क्रिकेट टीम को डराने की कोशिश की है। लेकिन ये बड़बुंजा ये क्या जाने कि इंडिया इंडिया है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, इसने बकवास क्या किया। ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई चलेगा नहीं, तो नहीं खेलते तो फिर दो और इनको धक्का दो, बोले जाओ यहाँ से भाई। अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराए उसमें क्या हम खेलते ही नहीं भाई। फिर इनको समझ आए कि क्या चाहिए, हम इनको माइनस करके चले, ठीक है, ताकि हमें फंस के नहीं पाए, भाड़ में जाए मरे जिए जो भी करे भाई। क्रिकेट है, खेल खेलना, खेलो नहीं खेलना, मैं तो यूँ अभी खेलना खेल नहीं खेलना जा। अच्छा मोदी हो या कोई, जावेद भाई दिल बुरा मत करो, इंडिया गो टू हेल, फलाना गो टू हेल, ये बोलने से क्या प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूँ तुम्हारे लिए पूरे पाकिस्तान की GDP एक कटोरे में, और जब प्याज खा लोगे बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। इंडिया को बोला है कि पाकिस्तान आओ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, मौत आनी ही आनी है, मौत अगर आपकी पाकिस्तान में लिखी हुई तो आपकी मौत पाकिस्तान में आ जाएगी। ये क्या था, आप कितनी ब्लंडर बात कर रहे हैं। ये बंदा कह रहा है कि मौत पर हक है, वो आनी ही आनी है, वो अगर आपकी पाकिस्तान में लिखी हुई तो पाकिस्तान में आएगी। ये इतना बड़ा ब्लंडर इस बंदे ने बोला है। तो जावेद मियां दाद साहब, मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ, भारत की टीम ना तो कल पाकिस्तान आई थी, ना आज पाकिस्तान आई थी, ना कल पाकिस्तान आएगी। भारत की टीम तभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी अगर तुमको टेम्पल तो भी टेम्पल करनी पड़े तो तल दो, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। हालांकि जावेद मियां दाद अपने जमाने का एक धुरंधर बैट्समैन था, महान बल्लेबाज था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तोतला भी है, और इसके तोतलेपन का मजाक बनाओ तो ये गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाता है। जावेद मियां दाद का स्टेटमेंट निकल कर आया, वो स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि टीम इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल जो है वो लाजमी करना चाहिए। जावेद मियां दाद, आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है भाई साहब, और उसमें रोला पड़ा हुआ है कि क्या इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी। पाकिस्तानी ये चाह रहे हैं, पीसीबी ये चाह रहा है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए और चैंपियन ट्रॉफी बड़े आराम के साथ हो जाए।
लेकिन अभी तक इंडिया की जो हुकूमत है उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है कि चैंपियन ट्रॉफी में हमने टीम पाकिस्तान में भेजनी है या नहीं भेजनी, और हर रोज़ इसको लेके कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही होती है, ज़्यादातर पाकिस्तानी सबक खिलाड़ियों की जानब से आ रही होती हैं। लेकिन जावेद मियांदाद की एक अलग ही दुनिया चल रही है भाई, और वो कोई ऐसा कमेंट लेके जो आप आते हैं ना जो उससे पहले किसी ने नहीं किया होता है, और शायद कहीं ना कहीं सारा मामला बिगाड़ भी देते हैं या पाकिस्तान का मजाक बनवा देते हैं। अब जावेद मियांदाद ने बोला कि इंडिया डरता क्यों है पाकिस्तान आने से, इंडिया वालों पाकिस्तान अपनी टीम भेजो, मौत से ना डरो, मौत तुम्हारी लिखी होगी अगर तो मौत यहाँ भी हो जाएगी वहां भी हो जाएगी। टीम इंडिया को किसी भी किस्म का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत एक दिन आनी है और वो कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, आपको कोई लिख कर नहीं दे सकता कि मौत कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी। इनके जावेद मियांदाद आप उनको इनवाइट कर रहे हैं या आप उनको धमकी दे रहे हैं, मुझे ये बता दें, आप उनको सहारा दे रहे हैं यहाँ पर, आप ये उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे मामलात ठीक हैं आप आ जाएं, आप उनको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप आ जाएं तो मौत यहाँ भी हो सकती है आपकी, वहाँ भी हो सकती है। साथ आप ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी को लेके जो है वो इंडिया को जो है वो कोई जो है वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। बढ़ के जावेद मियांदाद जब वो मुंह खोलेगा नेगेटिव बात करेगा, एक्सट्रीमिस्ट किस्म की बात करेगा, घटिया बात करेगा, यार बहुत बड़ा प्लेयर था यार, जबरदस्त किस्म का प्लेयर था, बट उतना ही बुरा इंसान है, स्पेशली जिस तरह की बातें करता है रिगार्डिंग इंडियन, और आपको पता है उसकी डोरें कौन हिलाता है और उसका सारा क्या सिनेरियो, मतलब बड़े मुझे दुख की बात है। और अब उसने इंडिया के प्लेयर्स के बारे में जिस तरह की बातें करी हैं बहुत अफसोस की बात है यार, बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है जिस तरह की जावेद मियांदाद ने बात करी है यार इंडियन प्लेयर्स को लेके, इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान आने को लेके, तो भाई एज पाकिस्तानी मेरा सर शर्म से झुक रहा है। आप भी सुनोगे तो आप बोलोगे यार जी क्या चवल मारी है यार आपने। और उसके अलावा आप देखो भाई, मतलब के बंदे को इतना दुख होता है एज पाकिस्तानी फैन ना, बंदा कहता है ये मैं किन लोगों में फंस गया हूँ यार, ये मैं किन लोगों में फंस गया हूँ। जावेद मियांदाद जैसा मैंने स्टार्ट में बोला है ना, मुझे इससे 100 गुना ज्यादा गंदी गालियां आ रही है, मैं कहता हूँ इसको दूं और ये अपनी जुबान को संभाल के रखे। जावेद मियांदाद साहब को मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जावेद मियांदाद साहब पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी चादर हो, तुम्हारी औकात है क्या भारत को धमकाने की, मौत तो कहीं भी आ जाएगी, ये आ जाएगी वो। इनडायरेक्टली कह रहा है कि हम इंडिया टीम को मारना चाहते हैं, भाई तू क्रिकेटर है तेरे को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, समझदारी वाली बातें करनी चाहिए। जिस तरीके के तुम बल्लेबाज थे, तुम्हारा नाम लीजेंड क्रिकेटलों में आता है, तो वो लीजेंड पना भी तो दिखाओ ना, अपने नेचर में भी तो दिखाओ, अपने खेल में तो तुमने बहुत दिखाया। खैर इन पाकिस्तानियों में जज्बा बहुत है, हम सो पे भारी है, हम पे इस टाइप की ऐसी जिहादी पने की बातें करता है, वो भी इतना बड़ा क्रिकेटर होके, इतना लीजेंड क्रिकेटर होके, मेरे को तो पता नहीं इनके माशरे के अंदर क्या गंद भरा हुआ है, क्या इनके दिमाग में गंद डाली गई है, आई डोंट नो, मुझे कुछ भी नहीं बोल सकता भाई साहब। मैं एक से एक जाहिल देखता हूँ पाकिस्तान के, ऐसे पढ़े लिखे और जो पूरी दुनिया घूमे हुए ऐसे लोग भी जहालत भरी बातें करते हैं, तो आम आवाम का तो कहना ही क्या। खैर आप लोग भी जावेद मियांदाद की बेन बजा सकते हैं, आपको फुल इजाजत है, तमन थे इतना आपका है, आप लोग अपना ख्याल रखे, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान ते लेते बिलियो लाता लेता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री लाम, जावेद मियां भाई देथ लीलाम।